हे गाइस, मेरा नाम है निशांत। इस वीडियो में यार मैं आपसे शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द अक्टूबर मंथ। अक्टूबर के महीने की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके लिए यूजफुल होंगी आने वाले एग्जाम्स DFCCIL, रेलवे, NTPC और ग्रुप डी के लिए। सो यार वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपसे इसमें शेयर करूंगा। सो आप इसको आखिर तक देखिएगा और अपने एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। और ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट माई चैनल। मैं आपके लिए एग्जाम्स के अपडेट के लिए अच्छी अच्छी इसमें अपडेट्स लाता रहूंगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज सपोर्ट माई चैनल एंड वॉच दिस अपडेट्स करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। तो यारो दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो यार सबसे पहले आता है आपका करंट अफेयर में टॉपिक जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क बनाया है वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कौन सी वैक्सीन, आपको पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन इस टाइम पे कोरोना वायरस की वैक्सीन है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हमने पहले ही रेडी कर लिया है। इट एम्स टू प्रोवाइड द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन द वैक्सीन स्टॉक एंड द फ्लो ऑफ द स्टोरेज टेम्परेचर अक्रॉस द कोल्ड चेन। तो ये आपको बताएगा कितना स्टॉक अवेलेबल है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा आपको। इससे हमारा क्या होगा, इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम जो अक्रॉस द कंट्री है वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में और इसको बनाया गया है अंडर द प्लान, नेशनल हेल्थ मिशन प्लान। कोविड-19 की वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूट को फ्यूचर में करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कोविड-19 की जो वैक्सीन हम बना रहे हैं उसका नाम कोवैक्सीन है और उसको बनाया गया है हमारे भारत बायोटेक जो है वो हमसे वहां से बनाई गई है। सेकेंड अपडेट आती है आपकी यूनाइटेड नेशन काउंसिल की तरफ से। यूनाइटेड नेशन काउंसिल में एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ओके, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2006 में हुआ, 2006 में इसका नाम चेंज, 2006 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, यूनाइटेड नेशन कम्युनिकेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो यार ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रिसेंटली पाकिस्तान ने इसको क्या किया है, ज्वाइन किया है यूएन असेंबली में। आपको पता है 193 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान को 169 वोट्स मिले थे इसको ज्वाइन करने के लिए। तो यार इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। तो आपको बस इतना याद रखना है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है और उसको रिसेंटली पाकिस्तान इसका मेंबर बनाया। तो ये करंट अफेयर का एक पॉइंट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड हम बात करते हैं थैलेसमिया बाल सेवा योजना। यार ये थैलेसमिया एक डिजीज से रिलेटेड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये एक योजना बनाई गई है। तो ये जो आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर के अंडर में आती है फॉर द थैलेसमिया पेशेंट। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो बाल सेवा योजना है ये एक डिजीज का नाम है और डिजीज के नाम से आप समझ जाइएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही रहेगी। फिर बात आती है INS सिंधु वीर के बारे में। तो INS सिंधु वीर को ट्रांसफर किया गया, ये सबमराइन नेवी की, ये सबमराइन है नेवी की तरफ से, सबमराइन शिप है, इसको हमने म्यांमार नेवी को हमने इसको ट्रांसफर किया है, हमने उसको दिया है। तो इट्स द फर्स्ट एवर सबमराइन, ठीक है। तो ये दूसरे देशों के साथ हमारे कितने अच्छे रिलेशन है ये इस चीज़ को दर्शाता है। तो आप हमको नाम याद रखना है कि म्यांमार नेवी को हमने उसको सौंप दिया है जिसका नाम है INS सिंधु वीर। फिर हम पढ़ते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जो है स्लीनेक्स, आप श्रीलंका ऐसे याद कर सकते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है। और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी जिसको बोला है स्लीनेक्स, नेवल एक्सरसाइज थी ये आपकी और ये श्रीलंका में ही हुई थी। तो बस ये नाम याद रखना है, दो देशों के बीच में हुई थी और ये नेवल एक्सरसाइज थी। फिर हम बात करते हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया है 6 मंथ्स के लिए। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये बात करता है। आपको नाम याद रखना है कि मिशन शक्ति जो है आपका वो जो है यूपी गवर्नमेंट ने उसको स्टार्ट किया है। फिर हम आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की। ये एक रिपोर्ट होती है यार, ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें सब पार्टिसिपेट करती हैं तो उसके उनकी सबकी रैंकिंग आती है। इसमें रैंकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रिसेंटली इसने अपनी रैंकिंग लॉन्च की है जिसमें इंडिया का रैंक 94 है अमोंग 107 कंट्री। अब पिछले साल यही रैंक आपका 102 था। तो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमको अपना रैंक याद रखना है, रैंक हमारा है 94th इस साल। उसके बाद आती है कुछ मिसाइल्स हैं जो DRDO ने लॉन्च किए, ये अक्टूबर महीने की करंट अफेयर है सो हमको उसके अकॉर्डिंग ही इसमें पढ़ेंगे। तो ये SANT मिसाइल है, इसको जितने मिसाइल्स होते हैं उसकी टेस्टिंग DRDO के अंडर होती है।
मिसाइल के हमको नाम याद रखने हैं, उनकी उनकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, और वो किस कहाँ पे उनको टेस्ट किया गया, जैसे उड़ीसा में टेस्ट किया गया, फिर कहाँ पे टेस्ट किया, तो हमको वो चीज़ें याद रखनी है। तो ये सेंट जो है आपकी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि उड़ीसा कोस्ट में इसको ट्राई किया गया, और रिसर्च एंड DRDO और इंडियन एयरफोर्स को दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। फिर हम आते हैं यार माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन पे। एक्चुअली क्या है यार, जो गंगा जो है वो हमारी, आपको पता ही है, नेशनल रिवर है, होली रिवर है, और उसमें जो डॉल्फिन होती है हमने उसको माना है एज ए अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो यार उनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन कर रही थी, तो उसको सेव करने के लिए कैंपेन हमने जो चलाया था वो है माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन। ये आपके आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आता है, ठीक है। हम 10 साल का एक प्रोजेक्ट है हम दोनों, लेकिन अब जब डॉल्फिन को जब हम सेव करने की बात आती, कंजर्व करने की बात आती, तो सी और इसमें दोनों हम इसमें यूज करेंगे, दोनों को हम कंजर्व करेंगे। और उसके बाद आती है नोबेल प्राइजेस। जी इस साल नोबेल प्राइजेस हमको डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो उसके यार नाम हमको थोड़े से रहने चाहिए, जब ऑप्शन आते हैं तो हम उसको अच्छे से टिक कर सकें। तो लिटरेचर में इस बार जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है पोएट लुईस ग्लक को, जो कि है अमेरिकन पोएट है आपकी, बस हमको नाम याद रखना है लिटरेचर लुई ग्लक, एल फॉर लिटरेचर आप ऐसे याद रख सकते हैं, एल फॉर लिटरेचर और एल फॉर लुई, थोड़ा सा आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज इन पीस, ये एक कमेटी को मिला है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस प्राइज नोबेल प्राइज नोबेल अगर नोबेल प्राइजेज में अगर मैं आप नोबेल प्राइजेज में भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, और पीस में दिया जाता है लिटरेचर, उसमें लिटरेचर और पीस आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लिटरेचर मैंने बता दिया, एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लुईस। तो अब बात करते हैं पीस के लिए, पीस के लिए मिला है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपको याद रखना है खाने पीने को, क्योंकि 2020 था, कोरोना था, खाने पीने की किल्लत थी, तो नोबेल प्राइज यहीं से मिला है, जिसने भी खाना बांटा वही सबसे बड़ा। अब बात करते हैं यार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक एक्शन प्लान होता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ये एक्चुअली क्या है, सर्दियों के दिनों में जो दिल्ली जो NCR है उसमें काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है, तो ये उसको टैकल करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है, ये उसके रिगार्डिंग है। दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है ड्यू टू NCR विंटर सीजन में, तो उसको टैकल करने के लिए आपके लिए प्लान बनाया गया है। तो यार ये फ्रेंच ओपन है, ये एक टेनिस का टूर्नामेंट होता है, और ये फ्रांस में होता है, नाम से ही पता है फ्रेंच ओपन 29, हर साल 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के। इस बार थोड़े से कोरोना की वजह से नहीं हो पाए, क्योंकि इंटर कंट्रीज ट्रैवल बैन था, तो अब फ्रेंच ओपन हुआ है। तो फ्रेंच ओपन यार मोस्टली जो है रफाल नडाल ने ही जीता है, मोस्टली फ्रेंच ओपन जो आपका मिट्टी पे खेला जाता है, मिट्टी पे होता है, तो उसको मोस्टली रफाल नडाल, उसने 13वीं बार इस खिताब ये मेन में। तो आपको लोगों को यार वीडियो में कमेंट करके बताना है कि इस बार वुमेन में फीमेल में फ्रेंच ओपन किसने जीता है। तो बात करते हैं, ये है रफा नडाल की तस्वीर, ऑब्वियसली मास्क तो बहुत ज़रूरी है, तो जिसी भी सेरेमनी में मास्क के साथ। तो या फिर आते हैं इकोनॉमिक्स में, नोबेल प्राइज मिला है पॉल मिलग्रन को और रॉबर्ट विल्सन को, ठीक है, आप इनके नाम याद रख लेगा, पॉल और रॉबर्ट विल्सन। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर ये यार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। एक्चुअली क्या है, इंडिया के जो बीचेस हैं वो काफ़ी साफ सुथरे हो गए हैं, काफ़ी लाइक पॉल्यूशन फ्री हो गए हैं, तो काफ़ी डस्ट फ्री हो गए, तो वहाँ पे काफ़ी क्लीनिनेस है, तो उसको देखते हुए हम एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती। तो इस बार हमको आठ हमारे बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, यानी वो बहुत सुंदर हैं स्वच्छ मामले में, स्वच्छ हैं वो काफ़ी। तो वो है यार कुछ दमन दीव है, कुछ ये है, बस हमको नंबर याद रखना 8, ठीक है। एक ये ज्यूरी होती है, नेशनल ज्यूरी होती है, ये साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट की, वो ये चीज़ वो सिलेक्ट करती है। अब बात करते हैं बर्मोस मिसाइल की, ये एक मिसाइल है जिसको हमने टेस्ट किया है इंडिया में बनाने के बाद में, तो उसको टेस्ट किया हमने उड़ीसा में। बर्मोस का मतलब होता है, ये हमने रशिया और ये दो रिवर से मिलकर बनती है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर से। तो ये मिसाइल्स है हमको उड़ीसा में, इसको हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया। अब बात करते हैं अटल टनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम की करंट अफेयर में ये क्वेश्चन तो जरूर दिखेगा, अटल टनल। हमारे माननीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया था, तो यार इसको एक बार देख लेते हैं, इससे रिगार्डिंग इसके एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार हम देख लेते हैं। तो ये जो अटल टनल है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये लॉन्गेस्ट टनल है। कौन सी लॉन्गेस्ट टनल, तो बहुत लंबी है, लेकिन ये ऊंचाई पे जो बनाई ना, ये रोहतांग में बनाई, तो इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल होगी, ऊंचाई पे बनाई जाने वाली सबसे लॉन्गेस्ट टनल। ये मनाली और लेह के बीच में 40 किलोमीटर आपका कम कर देती है, ठीक है। और ये इसकी जो टनल की जो लेंथ है वो है 9 किलोमीटर, याद रखिएगा लॉन्गेस्ट टनल है 9 किलोमीटर,
ठीक है। और ये कौन से पर्वतों पे बनाई गई, कौन से पर्वतों को बीच में से बनाई गई, ये पीर पंजाब रेंज ऑफ हिमालयंस अंडर रोहतांग पास, याद रखिएगा अटल टनल, रोहतांग पास 9 किलोमीटर, पीर पंजाल माउंटेन्स। बस ये चार पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। रोहतांग टनल, पीर पंजाल, 9 किलोमीटर की इसकी रेंज है। फिर आती है ICGS कनक लता बोरा, ये इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल है जो रिसेंटली कमीशन किया गया है कलकत्ता में। ये शिप है यार, शिप, बस हमको नाम याद रखना है, कनक लता कोलकाता, कनक लता कोलकाता। अब मेडिसिन में मैंने बात करता हूँ, मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है 3 लोगों को, हार्वी जे एल्टर, माइकल होक्टो और चार्ल्स एम राइस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेगा। लेकिन हाँ, पीस और लिटरेचर आपको याद रखना, लिटरेचर एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लुई, और पीस जो मिला था एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को जो है मिला था। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान 2020। एक्चुअली क्या था, जब नरेंद्र मोदी 2014 में जो इलेक्ट होके हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो 2 अक्टूबर 2014 में उस समय पे एक कैंपेन चलाया गया था स्वच्छता को रिगार्डिंग। तो वो स्वच्छ कैंपेन में हर साल हम अवार्ड देते हैं जो भी स्वच्छ आता है, तो इस बार फिर से 2 अक्टूबर 2020 में कुछ अवार्ड्स बांटे गए। तो अवार्ड के जो विजेता हैं, एक बार उनके हमको जानना है। तो गुजरात जो है, गुजरात वोन द फर्स्ट प्राइज एट द स्टेट लेवल, गुजरात को जो फर्स्ट प्राइज मिला स्टेट लेवल पे, और तमिलनाडु की जो डिस्ट्रिक्ट है त्रिनवेली, उसको मिला फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दो नाम हमको याद रखने हैं स्टेट लेवल पे, गुजरात और त्रिवेणी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज हमको फिजिक्स में किस में मिला है। नोबेल प्राइज फिजिक्स में भी 3 लोगों को मिला है, ये अपन के चेहरे देख सकते हैं, साइंटिस्ट लोगों के चेहरे कुछ ऐसे ही दिखते हैं, जो है रोजर पेनरोस, एंड्रा गया और रिनेह जेनल। आपको थोड़ा, अब बात आती है सूर्या मिसाइल की, ये जस्ट ये अक्टूबर के महीने में ही टेस्ट की गई है। ये सूर्या मिसाइल है, ये आपकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये DRDO ने टेस्ट किया है। हमको इसकी रेंज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, लॉन्च बाय द हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, DRDO ने इसको टेस्ट किया। इसकी रेंज जो है मिसाइल 100 से 2000 किलोमीटर के, लगभग 2000 किलोमीटर के बीच में है, और ये 1 टन, 200 kg से 1 टन का ये क्या है पेलोड ये कैरी कर सकती है। केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला है इनको मिला है एमुले चारपीटियर और जेनिफर डी डोंडवा को। एक और मिसाइल आ जाती है स्मार्ट मिसाइल, इसके हमको डेफिनेशन भी याद रखनी है, मिसाइल तो सारे DRDO ही टेस्ट करता है। तो ये स्मार्ट मिसाइल क्या है, ये लाइट वेट एंटी सबमराइन टोरपेडो सिस्टम है, फास्टेस्ट एंड ये याद रखना वर्ल्ड में फास्टेस्ट है ये। इसकी रेंज जो है 650 किलोमीटर है, फास्टेस्ट एंटी सबमराइन वारफेयर है। तो सबमराइन की हमको याद रखना, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट, इसका नाम है स्मार्ट, स्मार्ट बाय DRDO, और ये फास्टेस्ट एंटी सबमराइन वारफेयर मिसाइल है। तो इसको हमको नाम याद रखना है, DRDO ने फास्ट, क्वेश्चन रहेगा फास्टेस्ट एंटी सबमराइन वारफेयर मिसाइल कौन सी, आपको टिक लगा देना है स्मार्ट पे, जिसकी रेंज है 650 किलोमीटर। तो यार नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा इंडिया है, ये बांग्लादेश है, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, मिजो मणि नागा असम वगैरह। तो यार इनको कनेक्टिविटी लेने के लिए हमने यहाँ पे म्यांमार में एक पोर्ट बनाया है जो कि है सितवे पोर्ट, जिससे हम कनेक्टिविटी करेंगे हमारे मिजोरम वगैरह में। तो हमको याद रखना है म्यांमार में जो हमारा पोर्ट है वो सितवे पोर्ट है, जो कि हम कलकत्ता के हुगली रिवर से जिसको हम एक्सेस करेंगे, जो कि 539 किलोमीटर अवे है। तो यार ये कुछ बेसिक करंट अफेयर हैं आपके लिए अक्टूबर के महीने की, आप इनको प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस एक बार आप देख लीजिए। ये काफ़ी क्वेश्चंस कैरी करती हैं, नोबेल प्राइजेज है, फ्रेंच ओपन विनर हैं इसमें, और इसमें कुछ DRDO ने कुछ मिसाइल टेस्ट किए हैं, और एक अटल टनल है इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अच्छी अच्छी अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू।